बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन 13 है। देखते हैं क्या बोल रहा है। लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हुज फोटॉन्स हैव एनर्जीज 1 eV एंड 2.5 eV रेस्पेक्टिवली। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट है जिनके फोटॉन्स की एनर्जी हमें दी गई है 1 eV और 2.5 eV। इल्यूमिनेट अ मेटलिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 0.5 eV सक्सेसिवली। वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें दी गई यानी W की 0.5। रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो हमसे स्पीड पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी वी मैक्स हमसे पूछ रहा है। तो वी मैक्स का फॉर्मूला होता है √2/m के ई मैक्स √2/m के ई मैक्स को हम लोग लिख सकते हैं ई, या जो कि है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स माइनस W जो कि है हमारा वर्क फंक्शन। अब क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं लाइट की, तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा EPH1 माइनस W अपॉन EPH2 माइनस W EPH1 की वैल्यू है हमारी 1 eV, EPH2 की वैल्यू है हमारी 2.5 eV, वर्क फंक्शन की हमारी वैल्यू दी गई है 0.5 eV। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हम √2/m 1 माइनस 0.5 जो कि वर्क फंक्शन की वैल्यू है, और 2.5 माइनस 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा कुछ 1/2 के फॉर्मेट में, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। वी मैक्स को हम लिख सकते हैं V1/V2 भी। तो V1/V2 की हमारी वैल्यू 1/2 आ रही है, तो फर्स्ट आंसर हमारा सही होगा।